नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सत्र न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद पर बड़ा फैसला सुनाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में अदालत ने ज्ञानवापी मामले पर अहम फैसला सुना दिया है और आज ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और विग्रहों के संरक्षण को लेकर फैसला दिया है, जिससे हिंदू पक्ष में खुशी की लहर फैल गई है। वहीं जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अदालत में मेंटेनेबिलिटी यानी पोषणीयता पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद केस में आगे सुनवाई होगी और कोर्ट ने आज यही फैसला करना था कि यह याचिका सुनने योग्य है या नहीं, और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। जज ने जैसे ही आदेश दिया, हर हर महादेव के नारे लगने लगे और इस मामले में याचिकाकर्ता महिलाओं का कोर्ट परिसर में स्वागत किया गया और सभी पक्षकार और वकील कोर्ट रूम में मौजूद रहे। वहीं अदालत परिसर से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे। बता दें कि यह आदेश ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के आधार पर दिया गया है और इसको यदि आसान भाषा में समझा जाए तो इसके तहत कोर्ट किसी केस में तथ्यों की मेरिट पर विचार करने के बजाय सबसे पहले यह तय किया जाता है कि क्या याचिका सुनवाई करने के लायक भी है या नहीं। वहीं कोर्ट में मां श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है और हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी और कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है और मां श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका पर अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पिछले 19 मई को जिला अदालत में पेश किया गया था और सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा बताया था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को उपासना स्थल अधिनियम के खिलाफ बताते हुए कहा था कि यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं है और इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी थी। वहीं हिंदू पक्ष का दावा था कि मुस्लिम पक्ष बहुत पुराने दस्तावेज पेश कर रहा है जो इस मामले से संबंधित नहीं है। वर्सिप एक्ट 1991 के तहत यहाँ पे जो ज्ञानवापी है यहाँ पे ये बिल्कुल लागू नहीं होता है जो आधार बनाया था मुस्लिम पक्ष ने। मुस्लिम पक्ष ने दो याचिकाएं लगाई थी, हिंदू पक्ष ने एक याचिका लगाई थी जिसको आज एक्सेप्ट कर लिया गया है 7-11 रूल के तहत, और मुस्लिम पक्ष की दोनों याचिकाएं रद्द कर दी गई हैं। आपको बताना चाहूँगा कि 1937 में मोहम्मद के केस में 15 लोगों ने अपना जो है गवाही दिया था और उसमें बोला गया था कि यहाँ पे पूजा होती है और ये पूजा वहीं तभी नहीं, ये 1942 तक हुई। तो इस आधार पे जो है लेते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसको जो है नेक्स्ट डेट 22 सितंबर दिया गया है। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।